सो गाइस, महालक्ष्मी ऑटो मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास महिंद्रा की बोलेरो पिकअप आई है BS4, जिसके अंदर गाड़ी हमारी इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं आप सबको दिखाता हूँ डैशबोर्ड में। सो गाइस, देख सकते हैं, ये मैंने चाबी बंद करी, ये मैंने चाबी चालू करी और देख सकते हैं डैशबोर्ड में कोई सेल मारने पर लाइट भी नहीं जा रही है, नहीं हो रही है। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है वो आप सबको इस तरह मैंने आपको सारा ये बताया प्रोसेस है कि ये हमारी गाड़ी सेल मारने पे स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप सारा चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम इसकी बैटरी चेक करेंगे, बैटरी अगर हमारी ओके होगी तो हम इसके सारे फ्यूज चेक करेंगे, फ्यूज भी ओके होंगे तो उसके बाद हमारा ये रिले चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर रिले के अंदर फोल्ड होता है तो इसकी वजह से ऐसा ही होता है। तो मैं आपको रिले भी बताता हूँ कौन सा है और फ्यूज बॉक्स भी बताता हूँ 15 नंबर का। हमने इसका सारा फ्यूज बॉक्स पूरा चेक किया, कोई फॉल्ट नहीं बता रहा। मैं बताता हूँ इसका फ्यूज बॉक्स कहाँ आता है, इधर आओ। ये इसका फ्यूज बॉक्स है, इधर आता है। अब इसके अंदर जो रिले आता है, रिले की वजह से हमारा ऐसा फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है। जो ये रिले है, ये हमारी रिले गर्म भी हो रही है और इसके अंदर काट भी लगे रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारी गाड़ी सेल नहीं उठा रही है, कोई आवाज़ नहीं कर रही है, वो इसकी वजह से ही कर रही है, क्योंकि ये रिले हमारा गर्म हो जा रहा है। जैसे हम चाबी ऑन करते हैं तो रिले हमारा गर्म हो जा रहा है, तो ये हम आप रिले रिप्लेस करके आपको बताते हैं। अब इसको हम डाल के आपको बताते हैं गाड़ी हमारा सेल ले रही है कि नहीं ले रही है। ये हमारा 300 रुपये का रिले आया है, 350-300 रुपये का। तो मैं इसको डालता हूँ, चाबी चालू करी, अब मैं इसके अंदर क्लच दबा के सेल मारता हूँ। ये गाड़ी अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो देख सकते हैं आप कंप्लीट स्टार्ट है। मैं एक बार बंद करके आपको दोबारा सेल मार के बताता हूँ। ये मैंने गाड़ी बंद कर दी, ये चाबी चालू करी और ये गाड़ी अभी हमारी कंप्लीट स्टार्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी आप रास्ते में फंस जाए या कभी आपके साथ ऐसा धोखाधड़ी हो जाए तो आप ऐसे ही गाड़ी चालू कर सकते हैं। इसके अंदर रिले गर्म होता है तो हमारा रिले गर्म होने के बाद पावर नहीं ले पाता है, तो इसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप भी वैसा करिए, हो जाएगी आपकी गाड़ी ओके। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट।